सिस्टम नूं लै के भगत सिंह की आइडियोलॉजी नूं निखारन विच लाहौर शहर की आबो हवा का बहुत वड्डा हाथ सी। डी ए वी स्कूल तो तालीम हासिल करन दे बाद भगत सिंह ने इत्थे ब्रैडलॉ हॉल च मौजूद नैशनल कॉलेज विच दाखला लिता। यह जगह उस वेले लाहौर शहर की सियासी ते समाजी सरगर्मियां दा गढ़ सी ते इत्थे ही भगत सिंह ने अपने मित्रां नाल रल के नौजवान भारत सभा बनाई। तकरीरां कीतियां, ड्रामे स्टेज किते ते इनकलाब दा नारा लाया। एक तो अहम बात यह है कि वो एक यूनाइटेड इंडिया का या प्री पाकिस्तान इंडिया का हीरो था और उसकी जो टीम है उसमें सभी थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, दहरिये, सब लोग उसमें उस तहरीक का हिस्सा थे। उसमें कोई ज़ात पात और कोई मजहबी जो एक ऊंच नीच है वो नहीं थी, मौजूद थी। कि जिस रात इनको फांसी देनी थी उस रात जेल के कैदियों ने अपनी हथकड़ियों जो उनके लगी हुई थी, जंजीरें जो थीं, वो सलाखों के साथ इतनी ज़ोर से मारी और इतनी ज़ोर से वो नारे आ रहे थे कि जो लोग इछने में रहने वाले थे, जो मजंग में रहने वाले थे, उन लोगों ने सारी रात अपनी छतों पे गुजारी कि इतना शोर था। जिस जगह भगत सिंह को फांसी दी गई थी, जो आज शादमान चौक कहलाता है लाहौर में, वहाँ पर पहले सेंट्रल जेल होता था और फांसी घाट एन उस जगह पे था जहाँ पर भगत सिंह को सूली पे लटकाया गया। तो हमने एक कैंपेन चलाई कि चौक का नाम तब्दील किया जाए, शादमान चौक से इसका नाम भगत सिंह चौक रखा जाए। काफ़ी साल हो गए हैं उस पर, हम हर साल उनकी पैदाइश और वफात पे वहाँ इकट्ठे होते हैं चंद लोग और उनके लिए गाने गाते हैं, याद करते हैं और हुकूमत को याद दिलाते हैं कि अगर हम लायलपुर का नाम बदल के एक अरब बादशाह के नाम पे फैसलाबाद रख सकते हैं तो हम शादमान चौक को भगत सिंह चौक का नाम क्यों नहीं दे सकते। उनकी पहली एनिवर्सरी पे यहाँ पर लाहौर में जुलूस निकाला भगत सिंह के चाहने वालों ने, तो वहाँ पर एक टांगे वाला था तायर लाहौरी, तो उसने अपने टांगे पे खड़े होके एक घोड़ी पड़ी भगत सिंह की याद में, जिसके बोल कुछ इस तरह के थे कि 35 करोड़ तेरे जानजी वे लाड़िया, पैदल ते कई असवार। तो उसमें उसने कहा मौत कुड़ी नु प्रणावन चलिया देश भगत सरदार, यानी वो एक दूल्हा है जो अपनी दुल्हन जो मौत है उससे गले मिलने के लिए जा रहा है।